डुमरियागंज सीट पर जनता ने कर दिया बड़ा खेला। अखिलेश यादव के लिए सरदर्द बना चंद्रशेखर के लिए जनता का प्यार। डुमरियागंज सीट पर दिलचस्प हुई लड़ाई, 4 जून को सुलझ जाएगी सारी पहेलियां। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, बस अब 7वां चरण का मतदान है और फिर इसके बाद परिणाम का इंतजार। लेकिन 6वें चरण में हो चुके मतदान में डुमरियागंज सीट की खासा चर्चा है। कहा जा रहा है कि इस सीट पर सियासत का तापमान हाई हो सकता है। दरअसल इस सीट को लेकर चर्चा इसलिए गर्म है क्योंकि इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी काफी एक्टिव रही। नगीना लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच ठनाठनी देखी गई। बता दें कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने डुमरियागंज लोकसभा सीट पर काफी चुनाव प्रचार किया, खासकर उन्हें आज का यूथ ज्यादा पसंद करता है। तो वहीं दूसरी ओर सपा के कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट चौधरी अमर सिंह हैं, जो कि क्षेत्र में काफी एक्टिव रहते हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। अब देखा जाए तो इस सीट पर कांटे की लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच है, लेकिन बसपा से ज्यादा मजबूती आजाद समाज पार्टी में देखने को मिल रही है। बताते चलिए कि आजाद समाज पार्टी ने इस सीट पर काफी बढ़त बनाई है। चंद्रशेखर आजाद का डुमरियागंज सीट पर कई दिनों तक प्रवास रहा है, उन्होंने इस सीट पर काफी चुनाव प्रचार किया। ऐसे में इस सीट पर जो दलित समुदाय का जो यूथ है वो चंद्रशेखर आजाद को काफी मानता है। इसके अलावा कुर्मी बिरादरी का वोट भी सपा और भाजपा से खिसकता हुआ नजर आया। अगर देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी इसलिए मजबूत है क्योंकि इस सीट से सपा के उम्मीदवार चौधरी अमर सिंह हैं। ये कुर्मी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और इसके अलावा वे विधायक भी रह चुके हैं और साथ ही साथ आजाद समाज पार्टी में चौधरी अमर सिंह का कद राष्ट्रीय सचिव का है। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद सपा से सिंबल पर चुनाव लड़े, मगर चंद्रशेखर अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद भड़क गए। उन्होंने अकेले ही नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वे पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे जहां उनकी पार्टी बेहतर स्थिति में है। तो ऐसे में अब देखा जाए, जब 6वें चरण का मतदान हुआ डुमरियागंज सीट पर, लग रहा है कि थोड़ा बहुत खेल जो है वो बिगड़ सकता है। अगर कंपैरिजन किया जाए सपा बसपा और आजाद समाज पार्टी का, तो देखा जाए बसपा जो है वो फुटबैक पर नजर आ रही है और उसकी जगह आजाद समाज पार्टी जो है फ्रंट पर नजर आ रही है। तो ऐसे में देखते हैं कि जिस तरह से जनता ने जो मतदान किया है, चंद्रशेखर आजाद की भी अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर जनता का प्यार जो है देखने को मिला है। खासकर यूथ की अगर बात की जाए तो यूथ भी चंद्रशेखर आजाद का साथ और उनके समर्थन में उतरता हुआ नजर आया था चुनावी प्रचार के दौरान। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 4 जून को जो परिणाम सामने आने वाले हैं, तो क्या वो कहीं अखिलेश यादव के लिए झटका ना साबित हो जाए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।